इस वीडियो में बात करेंगे HPCL ICICI कोरल क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स रहेगा, क्या इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस रहेगा, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले या लेने के बाद की कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। तो चले फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ICICI बैंक का को ब्रांड क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को HPCL के साथ में मिलके इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया था। और इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के अगर रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप 100 रुपीज़ का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। और 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे वैल्यू मिल जाती है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं वो कम से कम 2000 रिवार्ड पॉइंट्स होना चाहिए। और ये रिवार्ड पॉइंट्स आप HPCL फ्यूल आउटलेट पर ही रिडीम करवा सकते हैं, यानी कि रिडीम कराने के लिए मिनिमम आपके पास 2000 रिवार्ड पॉइंट होने चाहिए और उनकी वैल्यू है वो आपको 500 रुपीज़ तक की वैल्यू इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप HPCL फ्यूल आउटलेट से फ्यूल लेते हैं तो आपको पर 100 रुपीज़ पे आपको 2.5% तक का कैशबैक है वो इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और साथ में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2.5% का कैशबैक लेने के लिए आपका फ्यूल पे ट्रांजेक्शन है वो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ का करना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज लेने के लिए आपका ट्रांजेक्शन है वो मैक्सिमम 4000 रुपये तक का होगा, तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ मिलेगा। और ये जो वेवर ऑफ मिलता है एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपीज़ तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करने पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और ये डिस्काउंट है अप टू 100 रुपीज़ तक का मिल जाता है और महीने में आप 2 बार ये डिस्काउंट ऑफर है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपका क्रेडिट कार्ड अगर अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कैशबैक मिलेगा बुक माई शो की तरफ से। और ये कैशबैक आपके स्टेटमेंट में 60 डेज के अंदर क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ICICI बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों, फीस एंड चार्जेस बताने से पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्यारा सीख जरूर से लाइक करें। आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोज बनाने के लिए। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको जो 0 ज्वाइनिंग के साथ ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है। इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना होगा। बट इस क्रेडिट कार्ड के जो एनुअल चार्जेस होते हैं, जो हर साल लगने वाला चार्जेस है, वो आपको 199+18% का GST इस क्रेडिट कार्ड पर रहता है। बट आप एक साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो जो ये एनुअल चार्जेस होते हैं इनको वेवर ऑफ भी कर दिया जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। एड ऑन कार्ड का कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो आपको 48 डेज का मिलता है, यानी कि 30 डेज होते हैं वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होते हैं, साथ में 18 डेज होते हैं वो आपको इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिल जाता है। अगर इस पीरियड तक आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी लगाई जाती है, साथ में इंटरेस्ट रेट भी लगाई जाती है। इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.40% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस रहता है। वहीं इनको अगर एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो 40.80% पर एनम के हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड पे फाइनेंस चार्ज रहता है। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में अगर डिफॉल्ट होते हैं तब आपके ये क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस लगाया जाता है। तो बस यही था HPCL ICICI कोरल क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर से प्रेस रखें ताकि आने वाली सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।